हे फ्रेंड्स, मैं हूँ पद्मजा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दही भिंडी। ये एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ये प्लेन राइस के साथ बड़ा अच्छा जाता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत इजीली बन के तैयार भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमको चाहिए 250 ग्राम भिंडी। मैं यहाँ पर भिंडी को अच्छे से धो के थोड़ा सा पेपर टॉवल में साफ़ करके इसको इस तरह से काट ली हूँ, छोटे छोटे करके। तो ये हमारा भिंडी कट के तैयार है, इसको हम साइड में रखते हैं। और इसके लिए हमको चाहिए 3/4 कप के आसपास दही है। ये दही में हम डालेंगे यहाँ पे चुटकी भर हल्दी और ये 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और ये चुटकी भर जीरे का पाउडर। ये सबको हम अभी अच्छे से मिला लेंगे दही के साथ, जैसे दही में कुछ भी लम्स ना रहे उस तरह से हम उसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको दही को अच्छे से मिला लेना है। और ये हमारा दही भी तैयार हो गया है, इसको हम साइड में रखते हैं। अभी हम एक पैन चढ़ाएंगे। पैन में डालेंगे हम बहुत थोड़े से ऑयल, लगभग 1 टीस्पून। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें हम डाल देंगे जो हम काट के रखे थे भिंडी को, और उसको इस तरह से उसको सॉटे कर लेना है। हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, खाली ऐसे ही उसको सॉटे करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखिए, ये हमारा भिंडी तैयार हो गया है। हमको भिंडी इतना ही भुना हुआ चाहिए। अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं बाहर। इसको हम एक बॉल में निकाल के साइड में रख देते हैं। अभी उसी सेम पैन में हमको डालना है 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे ड्राई रेड चिली। यहाँ पे मैं 2 चिली को तोड़ के डाली हूँ और ये 1 टीस्पून जीरा। कुछ ही सेकेंड के लिए हम उसको सॉटे करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे एक बड़ा सा प्याज को चॉप करके और उसको अच्छे से भून लेंगे जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पे देखिए, प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको रॉस्ट मिल जाने तक इसको हम सॉटे कर लेंगे। ये हमको कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा। अभी इसमें हम डाल देंगे कुछ ग्रीन चिली काट के 3 से 4 और अकॉर्डिंग टू अ टेस्ट। सबको अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए उसको सॉटे कर लेंगे। इस स्टेज में इसमें डालेंगे हम एक बड़ा सा टमाटर को चॉप करके, और टमाटर को पकाने के लिए डाल देंगे अभी सॉल्ट टू टेस्ट। नमक देख के डालना है आपको। फिर सबको अच्छे से मिला लेंगे और टमाटर को अच्छे से पकने तक हम उसको भून लेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारा टमाटर अच्छे से गल गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर। फिर इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली है, ज़्यादा तीखा नहीं होता है। ये 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और ये 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और ये हमारा जो पाउडर मसाला थोड़ा सा होने तक 1 से 2 मिनट के लिए हम उसको अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा जो मसाला थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फ्लेम को हम कर देंगे एकदम लोएस्ट, नहीं तो आप फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मिला लेंगे। इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे दही। एकदम लोएस्ट में है फ्लेम, नहीं तो दही फट जाएगा। अच्छे से मिला लेते हैं मसालों के साथ। ये देखिए, इस तरह से आपको अच्छे से मिला लेना है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए। 2 टेबलस्पून पानी में डाली हूँ और फ्लेम को मैं ऑन की हूँ, और इसको उबाल आने तक थोड़ा सा पका लेंगे लो फ्लेम में। यहाँ पे देखिए, हमारा दही में उबाल आना शुरू हो गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे भिंडी को, अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा सा और पानी देके एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम इसको ढक देंगे, ढक के 5 से 6 मिनट के लिए इसको हमको पका लेना है। यहाँ पे देखिए, हमारा दही भिंडी बन के तैयार हो गया है। हमारा दही अच्छे से पक भी गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ये थोड़ी सी हरी धनिया। सबको अच्छे से हम मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए इसको ढक के और पका लेंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है और ये हमारा दही भिंडी बन के तैयार हो गया है। चलिए फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको सर्व करने के लिए बाहर निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म दही भिंडी को आप प्लेन राइस के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं।
ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।